नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि कांग्रेस ने अपने पिछले विधानसभा में लगातार जीत के दावे के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में ये लड़ाई लगातार जारी है कि CM पद की दावेदारी आखिरकार कौन पेश करेगा। आपको बता दें, रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 पर जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस ने जिस तरह से भगवा पार्टी को दक्षिणी राज्य में गिरा दिया, पिछले एक दशक से संघर्ष करने वाली पार्टी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। पार्टी ने 43% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत हासिल की है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब सबकी नजर मुख्यमंत्री पद पर है। CM के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि DK शिव कुमार और सिद्धारमैया को कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद CM पद के दो प्रमुख दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर राज्य कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने रविवार को कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए कई बार बलिदान दिया है। शिव कुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने रविवार को लिंगायत समुदाय के धार्मिक केंद्र तुमकुर में सिद्ध गंगा मठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे और सिद्धारमैया के बीच में मतभेद है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। तो DK शिव कुमार लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहे कोई भी पेश करे, इसमें उससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, CLP की मीटिंग हुई है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस पार्टी जल्द ही ये फैसला ले लेगी कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया या फिर DK शिव कुमार कौन होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।